मैं आज एक ऐसे बंदे को बुलाना चाहता हूँ भाई आपके सामने, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज, जो हर लाइन के बाद अपनी कलम तोड़ देता है, कलम कुमार परितोष। बस बस, पहली बार किसी राइटर की एंट्री पे ताली बजी है, शुक्रिया सलीम साहब। बाय द वे, मैं बहुत बड़ा राइटर हूं, लग नहीं रहा है पर हूं, लगता तो ये भी कॉमेडियन नहीं है पर है। मान लो क्या है, वसेपुर के सारे डायलॉग्स हमने लिखे हैं, उसमें तो सिर्फ गालियां गालियां थी भाई, वो अनुराग कश्यप का फीडबैक था। मैंने अपनी स्क्रिप्ट सुनाई, बदले में बंदे ने गालियां दी, मैंने गालियां टाइप करके मेल कर दिया, उन्हीं गालियों में दो पार्ट की कहानी डाल के उसने वसेपुर बना लिया और चौड़ में घूम रहा है। टच में रहो तुम्हारा भी शॉट आएगा। और देखो क्या है, खानदानी राइटर हूं मैं, खानदानी। मेरे चाचा बहुत बड़े राइटर थे, बहुत कमाल के राइटर थे, एक बार अरबाज साहब के पास चले गए, अब शुरू हो गया। इनके पास चले गए, उन्होंने कहा हमने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, इन्होंने कहा पागल है, अच्छी स्क्रिप्ट का हम क्या करेंगे। हमारे चाचा के उन्होंने हाथ ही मोड़ दिया, उस दिन से वो दूसरों के लिए लिख रहे हैं। सलमान भाई की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जब से हाथ ऐसा हुआ हुआ, मोहल्ले की औरतें जो है छोटे छोटे बच्चे लेके आती हैं, बोलती इसने कर दिया है धुला दो हाथ, कब तक ऐसे किए रहोगे। लेकिन अरबाज भाई मेरे ताऊ जी बहुत बड़े राइटर थे, पहले ऐसे राइटर थे जो पिक्चर से पहले रिलीज हो गए। सारी फिल्में उन्होंने सलमान भाई के लिए लिखी थी, सलमान भाई के बहुत बड़े फैन थे, उतना बड़ा फैन मैंने नहीं देखा है, अब देखूंगा मिले शायद। वो जो उनका गाना है ना जवानी है वाला, ये हाँ ये हमने किया हुआ, ये हुक स्टेप वो कभी भी कर देते थे, जैसे गाना बजा हुक स्टेप आ जाता था, और हाथ में कुछ भी आ जाए, गमछा तौलिया कुशन, वो अपना एक बार कर लो, एक बार करने लगते थे। दा, 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 दा। एक बार आरी चला रहे थे, अरे 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 भैया हमको सुर्म के दर्द हो गया है, सुन के दर्द हो गया, उन पे बीती है। कसम बताऊं सोहेल भाई, आरी उस दिन बहुत भारी पड़ी, यहाँ तक चीरा लग गया, खुद से ताली बजाते रहते हैं वो, खुद के बेटर हाफ बने हुआ है वो इंसान। मैं बताऊं यहाँ तक चीरा लग गया है, फायदा बहुत है, नाला कितना भी बड़ा हो आराम से पार कर लेते हैं, लेकिन जब साइकिल चलाते हैं सीट यहाँ आती है। यहाँ सीट आती है भाई। मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने कहा आप दोनों टांगे मोड़ के दिल क्यों नहीं बन जाते हो। उस खानदान से हूं मैं, इतना होने के बाद इसको खानदान तो मत बोलो। क्या बात है, जोरदार तालियां दोनों भाइयों के लिए। ये देखिए शुरू हो गया, सलीम साहब के दो ड्राफ्ट आए हैं। हालांकि वो दुनिया के पहले ऐसे राइटर हैं जिनका फर्स्ट ड्राफ्ट ही सुपर हिट हुआ था। बाबा बाबा, हम लोग ओवरड्राफ्ट है। ड्राफ्ट से याद आया कि सोहेल भाई आप इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आपसे आज मैं वो काम कराऊंगा जो आपने आज तक नहीं किया है। अब बैठिए, डायरेक्टर बहुत पहले से बने हैं लेकिन पहली बार ही अच्छी स्क्रिप्ट पे बैठ रहे हैं। जोरदार तालियां, वरना पहले डायरेक्ट सेट पे चले जाते थे लेकिन फिर भी उन्होंने सुपर हिट फिल्में बनाई है भाई, औजार के लिए जोरदार तालियां। ये अलग बात है कि आज ये वही औजार मंगवा के हम दोनों का कारोबार करेंगे। दूसरे भाई के बारे में बात करते हैं, अपना अच्छा तो गाया है मैंने। इसके बाद पता है क्या हुआ, राहत फतेह अली खान इंडिया आ नहीं सकते थे, उन्होंने गुस्सा नौकर पे निकाला है। मैं कह रहा हूं कि सिंगर चाहे ये अच्छे ही क्यों ना हो, बिजनेस माइंडेड बहुत हैं। क्या ओटीटी वगैरह पे इनका क्या डील विल क्रैक कर लेते हैं? नहीं, मेडिकल स्टोर से कहते हैं मैं ऐसी ऐसी फिल्में बना रहा हूं तुम्हारा सरदर्द की सारी दवाई बिक जाएगी। अब एक पिक्चर 10 बार देखेंगे तो सरदर्द होगा ना, चाहे कितनी अच्छी पिक्चर क्यों ना हो। सरदर्द के आदमी पागल हो सकता है, पागल से ज्यादा। एक बार मैं सर के घर गया था कहानी सुनाने, उनके घर गया, मुझे पता चला हमसे मेहनत ये दो भाई हैं, दिन भर कहानी सुनाते रहते हैं। किसको? बच्चों को। अब बच्चे सोते नहीं है।
अब वो सोए तो लोग काम पे जाए ना भाई, बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। लेकिन फ्रीकी अली में क्या खेला है सर आपने? अबे गोल्फ क्या बढ़िया खेला है भाई। नहीं, नवाज के करियर के साथ। अच्छा भला स्ट्रगल कर रहा था, उसको स्टार बना दिया इन्होंने। अब बाप का, दादा का, भाई का, सबका कर्जा चुका चुका है। पहले अंडर डॉग था, पता नहीं कौन सा डॉग पी के सो रहा है। मैं एक काम कर लूं जो करने आया था। सोहेल भाई, अरबाज भाई, मैंने ऐसे मत देखो, मेरा करियर खराब हो जाएगा। मोहब्बत के स्कूल से पास आउट होके भी एडमिशन लेते हैं। मोहब्बत के स्कूल से पास आउट होके भी एडमिशन लेते हैं। मोहब्बत कितना पाक है हमारा, हम सपने में भी परमिशन लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाम करना परितोष। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.